कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस पार्टी ने सेवा सत्याग्रह के तहत मेरा गांव मेरा अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस यूपी के सभी ब्लॉक में कोरोना की करीब 10 लाख मेडिकिट बटेगी, साथ ही गांवों को संक्रमण मुक्त रखने के लिए करीब 15 लाख लीटर सैनिटाइजर का छिड़काव भी करवाया जाएगा। इसी अभियान के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ी तादाद में दवाइयां और सैनिटाइजर यूपी के सभी गांवों में भेजे हैं। इसके साथ ही सेवा कार्य के लिए 823 ब्लॉकों का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कांग्रेस के द्वारा भेजी गई दवाइयां डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही गाँव में बांटी जाएंगी। उसी कड़ी में आज कानपुर में भी कोरोना की इस दवा की खेप पहुँच चुकी है। सेवा दल के माध्यम से वार्ड अध्यक्षों के माध्यम से पीड़ित गरीब जो लोग कोरोना से ग्रसित हैं उनके घरों तक कांग्रेस के कार्यकर्ता इस किट को और सैनिटाइजर को पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, यूपी कांग्रेस के द्वारा मुफ्त डॉक्टरी सलाह की शुरुआत भी की गई है। तो वहीं कांग्रेस विधायक सुहेल अंसारी ने केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जग जाहिर हो गया है कि झूठे वादों को ये आज भी छोड़ नहीं रहे हैं। सबसे पहले आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं हमारे पूर्व के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, आज जो गरीब मजदूर जो कोरोना से पीड़ित है, घर में जिनको दवाइयां नहीं मिल रही है, उनके लिए हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष के सेवा दल के माध्यम से NSY के माध्यम से आज हम लोग इस दवा का वितरण करने जा रहे हैं। और जो योगी सरकार है या मोदी सरकार है, ये जग जाहिर हो गया कि आज जो झूठे वादे करते थे आज ये महामारी में भी किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, इनके हालात ऐसे हैं, इनको इंसानियत की परवाह नहीं है, इनको अपनी गद्दी की फिक्र है। इनकी गद्दी जनता अब समझ गई है। कब तक के आप झूठ बोल के, कब तक के आप लोगों को गुमराह करके सरकार बनाते रहेंगे, अब इनका अंत होने वाला है। जो होम आइसोलेट कोरोना मरीज हैं उनके लिए प्रियंका गांधी ने दवाएं भेजी हैं, जिसको हमने एक सेवा सत्याग्रह करके ये किट आई है कोरोना होम आइसोलेट की। इसमें सारी दवाएं जो कोरोना में ज़रूरत पड़ती हैं, इन दवाओं के माध्यम से बहुत से गरीब लोग हैं जो 400-500 की दवाएं नहीं ले सकते हैं, तो हमने लोकल क्लिनिक, लोकल डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, अपने वार्ड अध्यक्षों से कहा कि जो लोग वहाँ दवा लेने जाएं उनके बीच में पता करिए कि मोहल्ले में किसको कोरोना हो गया है। जिनको कोरोना हो गया उनके घर पे ये दवाएं लेके पहुँचे, सैनिटाइजर लेके पहुँचे और उनके घर में मास्क लेके पहुँचे। तो हम वार्ड अध्यक्ष के माध्यम से लोकल एरिया की सहायता लेके लोगों तक ये दवाएँ पहुँचाएँ, जिसके पीछे सिर्फ एक संदेश है, इस मानव जाति को बचाने के लिए सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, जो हमारे राहुल गांधी और प्रियंका जी का संदेश है। उस संदेश को पहुंचाना कि कोई भी व्यक्ति अपने को अकेला ना महसूस करे, कांग्रेस का बड़ा परिवार उनके साथ हर लम्हा खड़ा है। न्यूज़ प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट।